आपको गार्डनिंग का भी शौक है? हाँ बस जरा सा। बैठिए ना। शारदा जी, आपने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? जी मेरा मतलब है, इतने सालों के लिए आप अकेली हैं। अकेलेपन में मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी राकेश जी कि कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। तीन तीन बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना, अपने लिए सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला मुझे। टीचर थैंक यू। फिर भी अगर आप शादी कर लेती तो शायद आपका अजय इतना ना बिगड़ता। ठीक कह रहे हैं, ये ख्याल तो मुझे भी आया था। विनायक अगर घर पर होते तो अजय को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन मैं तो इंतजार करती रही ना, जिंदगी यूं ही गुजर गई, इसीलिए शायद दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। मतलब आपकी शादी का ख्याल आपको नहीं, आपकी भाभी को हुआ? जी मतलब? शायद आप जानती नहीं, पर जब हम साइक्लोन में मिले थे ये चांस मीटिंग नहीं थी। शकुंतला ने मुझे बुलाया था आपसे मिलने। क्यों? बस अगर हम एक दूसरे को पसंद कर लें तो हमारी शादी करा दें। भाभी ने ऐसा क्यों किया? शायद आपकी भलाई के लिए। वैसे भी 15-16 साल इज अ लॉन्ग टाइम, आपको दूसरी शादी के बारे में सोचना तो चाहिए। राकेश जी मुझे यकीन है कि विनायक जिंदा है, एक दिन वो यहाँ आए भी थे। अच्छा, that's interesting. आपने उन्हें रोका? काश मैं उन्हें रोक पाती, हमारे बाहर आने से पहले ही वो चले गए। तो आपने उन्हें देखा था? सिर्फ उनका साया देखा था, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे वहाँ एक फेरी का टिकट भी मिला था। मर से वर्सोवा आने वाली फेरी का वो टिकट था। मैं गई भी थी मर उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वो वहां मुझे मिले नहीं। आपने ये किसी को बताया? सबको बताया जी, सबको बताया। आप यकीन करेंगे, जब मैं मर गई थी विनायक को ढूंढने के लिए, तब मुझे वहां भाभी भी मिली थी। शकुंतला? शकुंतला को विनायक में इंटरेस्ट क्या है? वो तो सिर्फ मेरी मदद करने के लिए वहां गई थी। इंटरेस्टिंग।